गुड मॉर्निंग दोस्तों, शिवांश के चैनल से डॉक्टर ओपी सिंह, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज आप लोगों को मैं ठंडी से संबंधित एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जो ठंडी में बहुत से लोग दर्द से, ठंड से व्याकुल रहते हैं, दिमाग काम नहीं करता है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। ये ठंड के मौसम में दोस्तों हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है, तो किडनी का 7 आवर पॉइंट पर आपको टोनिक प्रेशर करना पड़ता है। दोस्तों किडनी का 7 आवर पॉइंट ये आता है, यहाँ पर टोनिक प्रेशर होता है। ठंड में हड्डियों में दर्द बढ़ जाए तो आपको एक बॉयल मैगट लेना है, बॉयल मैगट लेकर आपको टोनिफिकेशन करना पड़ता है। दोस्तों बॉयल मैगट लेकर आपको टोनिफिकेशन करना पड़ता है, 10 से 12 घंटे रखना पड़ता है। दोस्तों 10 से 12 घंटे रखना पड़ता है। यही ठंड जब ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस समय गॉर्निंग बेसल पॉइंट का 14 नंबर पॉइंट आता है, थम का बीचों बीच ज्वाइंट पे आता है। दोस्तों थम के बीचों बीच ज्वाइंट पे आता है, यहाँ पर आपको टोनिफिकेशन करना पड़ता है। थम जब हड्डियों में ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पर आपको बॉयल मैगनेट लेकर व्हाइट वाला सरफेस ऊपर रखना है, यहाँ टोनिफिकेशन करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे टोनिफिकेशन करना पड़ता है। दोस्तों यदि पाँव में ठंडी बढ़ जाए, तो उस समय आपको लीवर 3 को सेडेशन करना पड़ता है। दोस्तों उस समय लीवर 3 को आपको सेडेशन करना पड़ता है। दोस्तों जो मिडिल फिंगर का साइड में, अंगूठे साइड में यहाँ पर आएगा, दोनों पाँव में यदि ठंड बढ़ जाए तो ये आपको लीवर 3 का इस लोकेशन पर, मिडिल फिंगर का ये लोकेशन पर आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सेडेशन करना पड़ता है, लीवर मेरिडियन का सेडेशन करने के लिए पीला वाला सरफेस ऊपर रखना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आपको लगा के 10 से 12 घंटे रखना पड़ता है। दोस्तों यदि बर्फ़ के समान ठंडा प्रतीत हो, शरीर बर्फ़ के समान लगे, ठंडा ज़्यादा लग गया हो, उस समय दोस्तों आपको सीवी गॉर्निंग भेसल का, दोस्तों 10 नंबर पॉइंट, जो अंगूठा का ज्वाइंट है लास्ट वाला, ये अंगूठा का ज्वाइंट जो लास्ट वाला है, और ये रीट, ये जो हड्डी अंगूठे के लास्ट वाला है, यहाँ पर आपको आएगा जीवी गॉर्निंग भेसल का ये आई लगाया लोकेशन। दोस्तों 10 नंबर यहाँ पर आपको सेक करना है, कोई पतला चीज़, नुकला चीज़ लेके आगे को लेके यहाँ पर सेक करना है। सेक करने से क्या हुआ, पूरी बॉडी में जो ठंड लगने से आदमी कांपता है, तो उससे आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। दोस्तों।